हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे जेके स्टडी स्टाफ में। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ड्यू सोल के फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स, जिनका जो कोर्स है बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का है और उनका जो एग्ज़ाम है वो 20 मई को है। ठीक है, तो सब्जेक्ट जो अपना पॉलिटिकल प्रोसेस एंड इंस्टीट्यूशन इन कंपेरेटिव परस्पेक्टिव, ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट है। देन इसका एग्ज़ाम कोड आपका ये है 12/32/14/01। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट चैप्टर है ना इस बुक का, पॉलिटिकल प्रोसेस इंस्टीट्यूशन इन कंपेरेटिव परस्पेक्टिव, ठीक है, जो इसका फर्स्ट चैप्टर है अपना वो संघात्मक एवं एकात्मक सरकार का है। और मैं संघात्मक के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन पहली वीडियो में दे चुका हूँ और एकात्मक के ऊपर, एकात्मक सरकार का जो भी कॉन्सेप्ट है मैं उसका पूरा का पूरा कंप्लीट कर चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आपको आई बटन दिख जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके आप वीडियो की प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे संघात्मक शासन के जो गुण और दोष हैं, ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो मैंने अभी तक 3 या 4 वीडियो बनाई है इस सब्जेक्ट के ऊपर, जो 20 मई को एग्ज़ाम है, ठीक है, तो उसमें से एक क्वेश्चन तो आपका जरूर आएगा, या तो एकात्मक सरकार के ऊपर या तो संघात्मक के ऊपर। ठीक है, 18 मार्क्स का जो क्वेश्चन है, 18.5 मार्क्स का, वो जरूर आएगा। ठीक है, तो आप उसे ज़रूर रीड करके आना। तो गाइस, संघात्मक शासन के गुण और दोष क्या है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, फिर उसके बाद हमारे जो फर्स्ट चैप्टर है पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना। तो चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन आवर वीडियो। सो गाइस, संघात्मक शासन जो व्यवस्था है, ठीक है, जिसके अंतर्गत क्या होता है, केंद्र सरकार जो होती है और राज्य सरकार, दोनों की दोनों सरकारें होती है इसमें। ठीक है, जिसके बारे में मैं डेफिनेशन एग्जाम्पल और इसकी जो विशेषता थी मैं पिछले पार्ट में बता चुका हूँ। ठीक है, तो इस पार्ट में गुण और दोष की बात करेंगे। तो देखो, संघात्मक शासन की जो व्यवस्था होती है इसमें गुण के साथ साथ दोष की भी चर्चा की गई है। ठीक है, गुण और दोष दोनों की बातें की गई है, कुछ किसी तरफ ये अच्छा भी होता है और किसी तरफ इसकी बुराई भी की गई है। तो इसकी जो गुण और दोष है उसके ऊपर चर्चा किसने की थी, प्रोफेसर डाइसी हेराल्स लास्की, ठीक है, और कार्ल फ्रेडरिक, ठीक है, जो है इन्होंने क्या करी थी, गुण और दोष बताए थे संघीय शासन व्यवस्था के, या संघात्मक शासन व्यवस्था, या फिर केंद्रीय शासन व्यवस्था के। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं गुण की। तो पहला जो गुण है इसका ये है, संघात्मक सरकार की व्यवस्था में राज्य का महत्व, मतलब कि जो राज्य होता है उसका महत्व क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, और कोई केंद्र या देश राज्य से ही बनता है। मतलब कि इस व्यवस्था में क्या होता है कि राज्य को भी महत्व दिया जाता है केंद्र के साथ साथ। ठीक है, पहले वाली जो व्यवस्था थी एकात्मक, उसमें राज्य को महत्व नहीं दिया जाता, उसके साथ कुछ भी हो सकता है, उसको शक्ति भी दे सकते हैं, उसको गठन भी कर सकते हैं, लेकिन उसको समाप्त भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, राज्य को महत्व दिया गया कि उसकी शक्ति क्या अलग है, केंद्र की शक्ति अलग है और केंद्र उसको हटा नहीं सकता। साथ ही साथ कोई भी देश जो है ना, देश वो किससे बनता है, राज्य से बनता है। इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत बताया गया कि कोई भी देश कब बनता है, राज्य से। और इसका जो एग्जांपल है सबसे बड़ा अमेरिका है। अमेरिका क्या बना था, पहले जब गुलाम था उसके बाद वो अलग अलग राज्यों से जुड़ जुड़ कर उसने अलग अलग राज्यों को जोड़ा, जब राज्य जुड़ गए तो क्या बन गया, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, दूसरा जो है इसका गुण है सत्ता का विकेंद्रीकरण, मतलब कि जो सत्ता होती है सरकार उसका विकेंद्रीकरण, मतलब कि बंटवारा, जो भी शक्तियाँ दी गई है उसका बंटवारा शासन की इस व्यवस्था का मुख्य गुण है। इसका मतलब है कि देश के सभी व्यक्तियों तक जो भी सत्ता से जुड़ी, सरकार से जुड़ी जो भी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी इन्फॉर्मेशन है वो पहुंच जाती है किस तक, सभी जनता तक। ठीक है, व्यक्तियों तक क्या होती है, सरकार से जुड़ी या सत्ता से जुड़ी, पॉलिटिक्स से जुड़ी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ना, छोटी हो या बड़ी हो, सब तक पहुँच जाती है। क्यों, क्योंकि सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया है। साथ ही साथ तीसरा जो पॉइंट बनता है इसका, इस व्यवस्था में जनता की भागीदारी होती है। एकात्मक शासन व्यवस्था में जनता की कोई भागीदारी नहीं होती, मतलब जनता कुछ नहीं कर सकती, जो केंद्र सरकार है वही करती थी। लेकिन संघात्मक में क्या है, इस व्यवस्था में जनता की भागीदारी होती है, मतलब कि केंद्र और राज्य सरकार को चुनने का अंतिम अधिकार, लास्ट राइट्स किसको दिया गया है, जनता को। ठीक है, पब्लिक को दिया गया है। और इसका जो लास्ट जो अपना गुण है ये है अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा। ठीक है, अल्पसंख्यक मतलब कि ऐसे लोग जिनकी संख्या क्या होती है, किसी देश या राष्ट्र के अंदर या संघ के अंदर कम होती है। ठीक है, ऐसे लोग जिनकी क्या होती है, धर्म के आधार पर उनकी जो संख्या वो कम है। ठीक है, मतलब कि उस धर्म के व्यक्ति क्या है, कम होते हैं किसी देश में, उसको बोलते हैं अल्पसंख्यक। ठीक है, तो कभी तो जो शासन व्यवस्था होती है ना ज़्यादातर उसमें ना अल्पसंख्यकों पर कोई भी अधिकार नहीं दिया गया, मतलब कि उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। लेकिन संघात्मक व्यवस्था के अंतर्गत ऐसा नहीं है, अल्पसंख्यक जो ऐसे व्यक्ति जिनकी संख्या कम होती है उनके अधिकारों की भी रक्षा की गई है, उनको भी अधिकार दिए गए हैं। ठीक है,
तो अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा भी इस व्यवस्था के अंदर राज्य सरकार द्वारा नीति का निर्माण करके किया जाता है। ठीक है, राज्य सरकार नीतियाँ बनाती है, ठीक है, और जो भी नीतियाँ बनाएगी वो सबके लिए होगी, अल्पसंख्यकों के लिए भी होगी, सबके लिए होगी। ठीक है, अर्थात अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा भी इसमें की जाती है। तो ये क्या थे इसके जो चार के चार जो पॉइंट है वो थे संघात्मक शासन व्यवस्था के गुण। अब इसके बारे में बात करते हैं संघात्मक शासन के जो दोष है या फिर अवगुण, ठीक है, दोनों कह सकते हैं, दोष कह लो या अवगुण कह लो, बात एक ही है। ठीक है, तो संघात्मक सरकार की शासन व्यवस्था में गुण के साथ साथ दोषों का वर्णन भी किया जाता है या किया गया है। ठीक है, तो इसके जो दोष है वो ज़्यादा नहीं है, ओनली तीन है। तो देखते हैं पहला पॉइंट क्या है, कुछ विचारक, मतलब कि ऐसे व्यक्ति जो कुछ सोचते हैं, ठीक है, उसके जो विचारक है ना भारत के संघवाद के लिए बताते हैं, मतलब कि इस व्यवस्था को लेकर बताते हैं या भारत को लेकर बताते हैं कि भारत का संघवाद एकात्मक की तरह झुकता जा रहा है, मतलब कि झुकता हुआ दिखाई दे रहा है, कि इसमें सारी की सारी शक्तियाँ किसको दी गई है, केंद्र को, एकात्मक सरकार है उसकी तरह झुकता जा रहा है। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो है, लेकिन ऐसा नहीं होता संघात्मक में कि सारी की सारी शक्तियाँ केंद्र को दे दी जाए, ठीक है, लेकिन भारत क्या हो रहा है, एकात्मक की ओर झुकता जा रहा है, सारी की सारी शक्तियाँ किसको दी जा रही है, केंद्र को। दूसरा पॉइंट है इसका, इसके अंदर केंद्र और राज्य के बीच खींचतान संघात्मक व्यवस्था के अंदर, ठीक है, मतलब कि खींचतान संघात्मक व्यवस्था, जो संघात्मक व्यवस्था है वो खींचती जा रही है अंदर, इसके अंदर क्या होता है, राज्य में केंद्र की जो पार्टी की सरकार ना होने पर, ठीक है, अगर नहीं होती राज्य के अंदर तो क्या होता है, खींचतान बहुत अधिक होता है, ठीक है, जैसे कि पश्चिम बंगाल और दिल्ली में है। ठीक है, अगर राज्य में केंद्र की सरकार नहीं होती तो खींचतान होता रहता है, जैसे कि कहाँ पर है, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में। तीसरा जो पॉइंट है, इससे पृथकतावादी आंदोलन को भी बल मिलता है, मतलब कि पावर मिलती है, उदाहरण के लिए अमेरिका और भारत और स्विट्ज़रलैंड, ठीक है, पृथकतावादी आंदोलन जो है उसको भी क्या मिलता है, इससे फोर्स मिलता है, कौन सी शासन व्यवस्था से, संघात्मक शासन व्यवस्था से। सो गाइस, ये था हमारा संघात्मक शासन व्यवस्था के गुण और दोष, ठीक है, गुण अवगुण या फिर गुण और दोष। ठीक है, तो इसके साथ साथ हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है ओवरऑल कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद होगी और ये जो चैप्टर है वो जरूर समझ आया होगा। जो फर्स्ट चैप्टर है इससे मैंने आपको दो कॉन्सेप्ट बताए थे, एकात्मक सरकार को लेकर और संघात्मक सरकार को लेकर। ठीक है, दोनों में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपका, ठीक है, तो दोनों जरूर पढ़ के जाना, क्या पता कौन सा आ जाए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और ये जो वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जो भी फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि वो इस वीडियो का लाभ उठा सके, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन को आप पा सकते हैं। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।